Subscribe to NVC for maths and press the bell icon to never miss any updates. Subscribe to NVC for maths and press the bell icon to never miss any updates. Next question बड़ा important question है, exercise 5.2 का first number question है ना। इसमें देखिए क्या देख रखा है, question में कहता है fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and N is the nth term of the AP. Nth term का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए आप जरा, है ना। Nth term का मतलब होता है, देखिए कहीं कहीं आपको N लिखा हुआ रहेगा और कहीं कहीं इसी को TN लिखेगा। इसका मतलब होता है क्या, लास्ट टर्म होता है। क्या होता है, लास्ट टर्म। N का मतलब क्या होता है बच्चों, N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब टर्म कितने हैं। ठीक है, काउंटिंग जब करेंगे हम लोग सिस्टम को, सीक्वेंस को, तो उसमें कितने टर्म आएंगे, एक क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, उसी को N बोलते हैं। सबसे लास्ट बेंच पर कौन बैठा है उसको N या TN बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि ये क्वेश्चन में कि ये दिया हुआ है 7 है, 3 है, 8 है और N। N आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे मांगा जा रहा है। देखिए आप बात को जरा समझने का प्रयास करें, मैंने अभी आपको सॉल्यूशन में सॉल्यूशन देता हूं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं बेसिक कुछ बात बता दूं आपको। मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि आपको जो भी निकालना होता है, जैसे 8th टर्म रहता है तो क्या लिखते हैं, a प्लस 7d। 1d क्या होता है, कम होता है ना। देखिए n इक्वल टू कितना है, 8 है। n इक्वल टू कितना है, 8 है। इसका मतलब यहां जो n है इसके जगह पर क्या आ जाएगा, 8 हो सकता है क्या। यानी हमको सीधा सीधा क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि 8th टर्म कितना होगा, कौन सा 8th टर्म कितना होगा, T8, या फिर आप इसको A8 भी कह सकते हो, है ना। हमको इनडायरेक्टली AN के जगह पर क्या है, N के जगह पर अगर 8 पुट कर दें तो क्या हो जाए, A8 हो जाए। और A8 कितना होगा, इसका मतलब होगा A प्लस 7D हमसे मांगा जा रहा है। आप सब जानते हो कि A का वैल्यू 7 है और D का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 7 और D का वैल्यू 3 है, तो 7 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 28। आंसर कितना हो जाएगा भाई, 28 हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं बात को आप। एक यहाँ पर 7 हमने पुट किया, 7 तो 7D क्वेश्चन से ही आ गया, और 7 × 3 = 21 प्लस 7 = 28, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हुआ, सॉल्यूशन फर्स्ट। सॉल्यूशन सेकेंड के बारे में बात करूं तो आप देखना कि क्या आपको दिया हुआ है। इसमें A दे के रखा है, D दे के रखा है, N दे के रखा है और लास्ट टर्म हमको दे के रखा है ना। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि AN अगर निकालना है तो इसका मतलब हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जितना N निकालना है उससे कम एगो D होना चाहिए, उससे कम एक D है। अब AN आपको दे के रखा है 0 और A कितना है, A हमारा माइनस 18 है, अब प्लस N कितना है, 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी। 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 18 प्लस में, इधर हो जाएगा 90, डी से कैंसिल होगा 2, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, है ना, डी का वैल्यू 2 हो जाएगा। ओके, तो आप समझ पाए कि हम क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड कैसे, जिसको आपको पूछता है उसको आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, उसको निकालना है, फाइंड करना है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में हम आपको सॉल्यूशन दे, सॉल्यूशन थर्ड दे, देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म इस बार गैप कर दिया, मतलब यही फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, फर्स्ट टर्म आपको निकालना है। तो देखिए तो एन, तो एन के ऊपर कितना है, देखिए तो माइनस 5 है, एन के ऊपर कितना है, माइनस 5 इक्वल टू ए प्लस, तो ए गैप कर दिया इस बार, एन माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 और डी कितना, माइनस 3, यही ना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, देखिए माइनस 5 और प्लस ए, 18 में से 1 गया 17 और 17 3 जा 51, माइनस 51 हो जाएगा, माइनस 51। अब अगर A निकालना है तो 51 को इस साइड भेजेंगे, तब 51 इधर माइनस में इधर आएगा, क्या होगा, प्लस में, यानी माइनस 5 प्लस 51 कितना हो जाएगा, 46। A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। समझ रहे हो बात को, है ना। एक जो मेन आपका बेस फॉर्मूला है वो यही है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला को कभी नहीं भूलना है, एपी का ये जड़ है, जड़, इसको जड़ कहते हैं।
समझे, तो ये फॉर्मूला पर ही आपका सारा का सारा डील होगा। आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लेकर चलता हूं। फोर्थ में क्या करता है, फोर्थ में कह रहा है कि ए का वैल्यू देख रखा है, डी का वैल्यू देख रखा है, इस पर एन गैप कर दिया। अच्छा, टी एन हमको दे दिया, मतलब एन हमको दे दिया, तो आसान सा क्वेश्चन है। फिर से हम फोर्थ में चलेंगे और फोर्थ में क्या दिया हुआ है, एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन देख रखा है सबसे लास्ट टर्म, हमको 3.6 दिया है, हम यहाँ 3.6 पुट कर देंगे। और ए देख रखा है कितना, -18.9। अब प्लस एन नहीं दिया है कोई बात नहीं, लेकिन डी दे दिया है 2.5 के फॉर्म। अब इसको सिंपल सा एक लीनियर इक्वेशन आ गया, तो 3.6 और प्लस 18.9 है ना, माइनस इधर आएगा प्लस, इधर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 2.5। इसको थोड़ा आप ऐड कर लेना, तो 9, 6, 15 और 18, 21 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। अब इसको आप एलिमिनेट करोगे तो 25 से 9 बार में कट जाता है, 25 9 225 होता है ना, पॉइंट भी इसी में चला गया। तो हमारा 9 इक्वल टू एन माइनस वन, इस कारण से एन बराबर कितना, 9 माइनस वन इक्वल टू इतना, तो 10 हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप, है ना, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान था, बस फिगर को हम इसको मिटाते नहीं है, 5 भी इसी टाइप का क्वेश्चन। 5 में देखिए इस बार क्या आपको फाइंड करना है, 5 में फाइंड करना है इस बार एन को, यानी लास्ट टर्म को, इसका मतलब ए देगा 3.5 दिया है, प्लस एन माइनस वन, एन कितना 105, हम माइनस वन, और डी कितना 0, कि पूरे ले देकर सबको 0 कर देगा, 3.5 प्लस 0, क्योंकि 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग 0, यानी क्या आ जाएगा 3.5, एन क्या आ जाएगा भाई 3.5। समझ रहे हैं बात को आप, एक मेन बेस फार्मूला जो आपका है वो क्या है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, इसको आपको पकड़ के रखना है। इसका डेरिवेशन भी है आपको वीडियो में, है ना, बेसिक वीडियो में, वो सब भी आप देखना। और उसके बाद ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व फिर से करने का प्रयास करना। देखिए जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ ना, उस क्वेश्चन को पूरा पूरा आंसर देने का, सॉल्यूशन देने का मेरा एक ही टारगेट है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं बना पाते हैं, तो कम से कम उनको क्या है कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक बार देख लेंगे तो उनको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे बनाया जाता है। खुद से प्रयास करेंगे तो हो सकता है वो बेस्ट कर दें अपने आप, है ना। तो आप भी बेस्ट करने का प्रयास करो और एक बार वीडियो को देख लो, नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा फिर से देखो, उसी के अनुसार उसी क्वेश्चन को बनाओ, तो आपको हो सकता है आपका माइंड क्लियर हो और आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए आप तैयार हो जाए। ओके, और मैथ का ये फलसफा है, मैथ इसी तरह से पढ़ाया भी जाता है। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के। ओके।